इसराइल और हमास के बीच जारी जंग को एक साल होने वाला है, लेकिन ये जंग थमने की जगह बढ़ती ही जा रही है। हाल ही में हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को बंधक बनाए गए लोगों में से 6 की हत्या कर दी थी, जिसके बाद इसराइल भड़का हुआ है। इसी क्रम में इजरायली सेना ने मंगलवार को गाजा के अलग अलग हिस्सों में हमला किया। इसमें हमास के 8 उग्रवादी समेत 35 फिलिस्तीनियों को मारे जाने की खबर है। इस हमले के बारे में फिलिस्तीनी नागरिक आपातकालीन सेवा ने जानकारी दी है। फिलिस्तीनी नागरिक आपातकालीन सेवा ने बताया है कि इजरायली हवाई हमले में मारे गए लोगों में दक्षिण शहर राफा में 4 महिलाएं, उत्तर गाजा में शहर में 8 और मध्य में 9 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने 7 अक्टूबर 2023 में हुए हमले में शामिल कमांडर सहित 8 उग्रवादियों को मार गिराया है। हालांकि अभी हमास की ओर से कोई प्रतिक्रिया इस पर सामने नहीं आई है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार ताजा हमले से युद्ध विराम के प्रयासों को एक बार फिर झटका लगा है। बता दें कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन ने सोमवार को गाजा के दक्षिण किनारे पर फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से इजरायली सैनिकों को हटाने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वहां इजरायली सैनिक मौजूद रहेंगे। साथ ही नेतन्याहू ने एक बार फिर हमास को जड़ से खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता जताई थी। उनका कहना है कि युद्ध तभी समाप्त होगा जब तक कि हमास का सफाया नहीं हो जाता। दरअसल इसराइल और हमास के बीच बीते 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ युद्ध अभी भी जारी है। पिछले कुछ दिनों से गाजा में कुछ ऐसा घटा जिससे संघर्ष तेज होने की आशंका को जन्म दे दिया है। रविवार को इजरायली सेना ने गाजा में 6 बंधकों के शव बरामद किए, जिनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मारे गए बंधकों में अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। करीबन 250 लोग इसराइल में अक्टूबर 2023 में हुए हमले के दौरान बंधक बना लिए गए। बंधकों के कत्ल से पूरे इसराइल में गुस्सा है। रविवार रात राजधानी तेल अवीव समेत कई शहरों में बंधकों की तुरंत रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से गाजा समझौते को जल्द पूरा करने की मांग की है। इसके अलावा लेबर यूनियनों ने सोमवार को बंद का भी आह्वान किया था। बंधकों की हत्या के बाद दुनिया भर की नाराजगी झेल रहे हमास की गीदड़ भभकियां कम नहीं हो रही हैं। इसराइल के युद्ध तेज करने की आशंकाओं के बीच उसने फिर आग में घी डालने वाला बयान दिया है। हमास ने कहा अगर इसराइल ने सैन्य दबाव बढ़ाया तो बंधकों को ताबूत के अंदर वापस इसराइल भेज दिया जाएगा। उसने चेतावनी दी है कि अगर इजरायली सेना आती है तो बंधकों की सुरक्षा में लगे लोगों से बोल दिया गया है कि वे तुरंत सभी को मौत के घाट उतार दें। हमास के एजिदीन अल कसाम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने एक बयान में कहा है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बंधकों को बचाने के लिए सेना का इस्तेमाल किया तो हम उन्हें ताबूत के अंदर उनके परिवारों के पास भेज देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।